क्या बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा आज बहुत खुशी हो रही, होली का हम लोग महोत्सव मना रहे हैं। पहले ऐसा हुआ था यहाँ पर? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे, होली कैसे मनाएंगे इस बार? बहुत अच्छे से मनाएंगे, बहुत अच्छे से मनाएंगे। प्रभु के मस्ती में खोकर रामराज की पहली जाके अवध की होली, होली के लिए रघुवीरा अवध में अवध की होली आप झारखंड में मनाएंगे। राम का ये घर प्रभु श्री राम का घर है। जबरदस्त खून और आप पूरे नजारे को अब वीडियो के माध्यम से देखें। आप ये जो मेरे पीछे धूम धड़ाका और खुशनुमा नजारा देख रहे हैं, ये रामगढ़ महाविद्यालय का नजारा है जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों के द्वारा आज होली मिलन समारोह मतलब होली से पूर्व फागुन उत्सव मनाया जा रहा है। और आप खुद यहां के नजारे को, मस्ती भरे नजारे को, छात्र छात्राओं के उत्सव को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग होली के पूर्व होली और फागुन महोत्सव को मना रहे हैं और जश्न में सराबोर हैं। इसके तहत आज विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम और कविताओं को सुनाया जा रहा है और होली का क्या महत्व है, क्यों हम होली मनाते हैं और भारतीय संस्कृति में होली का क्या महत्व है, इसको लेकर आज इन लोगों के बीच में खूब मस्ती मनाई जा रही है और एक दूसरे को होली की बधाई भी दी जा रही है। आप इनके जश्न के नज़ारे को और उत्साह के नज़ारे को देख सकते हैं कि डीजे की धुन पर किस प्रकार से इधर छात्राओं का टोली मतलब हमारी नारी शक्तियों का टोली और बैरिकेडिंग के साथ इधर बगल में आप देख सकते हैं कि हमारे देश के युवा और होनहार स्टूडेंट्स हैं इधर में, और पीछे आयोजनकर्ता मंडली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्वकर्ता जो इनके द्वारा आज यह कार्यक्रम होली मिलन समारोह का भव्य रंगारंग आयोजन किया गया है। पर कॉलेज अध्यक्ष नितेश जी मौजूद हैं। नितेश जी, 25 तारीख को होली, उससे पूर्व पूरे देश में इसी प्रकार से रंग में लोग सराबोर हैं, होली के महत्व को बता रहे हैं, सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोग भी आयोजन किए, क्या कहेंगे? होली जो है वो खास करके युवाओं का त्यौहार है। युवा अर्थात मतलब जो आनंद से भर दे, युवा मतलब वो उत्साह को भर दे, युवा मतलब जो जहाँ भी लग जाए उसकी तकदीर बदल दे, उस व्यवस्था को पलट दे। तो वो हम लोग रामगढ़ कॉलेज में जितने भी छात्र हैं, अभी क्या है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू है, कभी फर्स्ट ईयर के आएंगे, कभी सेकेंड ईयर के आएंगे, थर्ड ईयर, तो ये जो सीनियर जूनियर ये जो माहौल ये मिल नहीं पाता है, तो हम लोगों का प्रयास है कि एक साथ जो ये माहौल है वो रामगढ़ महाविद्यालय में आ जाए। वो परिसर एक विद्यार्थी का ताकत क्या होता है, विद्यार्थी जब झूमते हैं, जब कोई कार्य करते हैं वो कैसे करें, इसके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। होली के बहुत सारे मायने हैं लेकिन आप लोग किस प्रकार से मना रहे हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मतलब देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ संस्थान है, कैसे मना रहे हैं इस बार होली और क्या कुछ अपने युवाओं को, अपने भाइयों को संदेश देंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ के द्वारा आज होली मिलन फागुन महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। साथ ही आप देखे होंगे कि किस प्रकार से संगीत, कविता, डांस, ऐसे अनेकों कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही इस होली मिलन समारोह के साथ में ये एक बात और हम सबों का है कि जिस प्रकार से शिक्षा में एक साथ हम लोग एकजुट नहीं हो पाते, उस एकजुटता को लाने के लिए कि और कि हम लोग देखिए कि इस प्रकार से एक साथ हम लोग मिलते हैं, तो अगर इस प्रकार से प्रत्येक दिन अगर क्लास हम लोग आए तो कितना उत्साह और आनंद आएगा इस शिक्षा को आगे, जो हम लोग आज शिक्षा में जो क्लास कम आ रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए इस होली मिलन समारोह के द्वारा है कि सभी छात्र प्रत्येक दिन विद्यालय आए, क्लास करें, क्योंकि आज कोरोना के बाद में जो कॉलेज कैंपस छात्रों का आना कम हुआ है, इसको बढ़ावा देने के लिए फागुन महोत्सव के माध्यम से होली के मायने बहुत सारे। होली में जहाँ इस प्रकार की संस्कृति को दर्शाया जाता है, धूम धड़ाके के साथ होली का जश्न मनाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में आकर युवा होली के दरमियान गंभीर रूप से घटना के शिकार हो जाते हैं,
उन तमाम चीज़ों को बांटने के लिए, बटने के लिए क्या कुछ आप एक युवा हैं अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने बड़े लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रामगढ़ जिला का जिला संयोजक हूँ, और जैसा हम जानते हैं कि देश में ब्रज की होली जैसे शुरू होती है, ठीक है, ब्रज की होली के साथ में पूरे देश भर में होली का उत्साह शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे क्षेत्र के कुछ या हमारे देश में कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो धूम्रपान नशा का शिकार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम नशा पान करेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, हम बहुत बड़े कहलाएंगे। उनको ये चीज़ को पता ही नहीं है कि जब कृष्ण भगवान जब ब्रज की होली जब लोग खेलने जाते हैं, उसका महोत्सव बिने नशा का जो उसमें रंग रहता है, जो उमंग रहता है, उस रंग और उमंग को आज हम यहाँ देख सकते हैं कि इसी तरह का हम लोग भी चाह रहे हैं कि पूरे देश भर में लोग नशा मुक्ति अभियान भी चलाना चाहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नशा मुक्ति अभियान भी चलाना। बिल्कुल, ये नशा दोस्ती का हो, ये नशा प्रेम का हो, ये नशा प्यार का हो, नशा देशभक्ति का हो, ना कि नशा शराब का हो और आप कोई गलत कदम उठा ले। सही कहे ना। क्या कहना चाहेंगे? आप एक बहन हैं और आपके भाई होली मना रहे हैं, आपकी बहनें होली मना रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? होली हम लोग का एक रिचुअल है, एक फेस्टिवल है कलर्स का, और साथ ही हम लोग इसमें भूल जाते हैं कि कौन हमारा दुश्मन है, क्या है, सबको साथ मिलकर गले मिलकर खुशियां मनाकर हम लोग सब होली मनाते हैं। साथ ही मतलब ये ऐसा त्यौहार है कि हमें मतलब साथ मिल जाते हैं, हम लोग एक साथ मिल जाते हैं, फिर और क्या। बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक और भाई है छोटे सब में, इस बार का होली कैसा मनाएंगे? इस बार का होली शांतिपूर्ण, और हम लोग जो है यहाँ पर चाहेंगे कि शांतिपूर्ण और शांति तरीके से होली मनाएंगे, और अखिल विद्यार्थी परिषद का यह प्रयास है होली मिलन समारोह के माध्यम से कि अभी विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे भारत वर्ष में परिसर चलो अभियान चलाया जा रहा है। एकजुटता यहाँ पर मस्ती के दरमियान दिख रहा है, होली मिलन के दरमियान दिख रहा है, पढ़ाई के दरमियान, देश को आगे बढ़ाने के दरमियान भी दिखना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आज मस्ती कर रहे हैं, यही देश के भाग्य विधाता और भविष्य निर्माता है, इन्हीं पर कल देश का भविष्य टिका हुआ है, यही कल के डीसी साहब, एसपी साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, है ना? सही है, क्या कहेंगे बोलिए। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनुशासन के लिए जाना जाता है, और आप देख सकते हैं इतना भीड़ है और इतना गाना बज रहा है, फिर भी एक भी छात्र या छात्रा अनुशासनहीन नहीं हुआ है, ये हमारी सील दर्शाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा माहौल है। प्रिंसिपल मैडम से रिक्वेस्ट किया, सारे टीचर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज हमें एक मौका दिया जाए, और कोई भी मौका मिल गया और आप जश्न मना रहे हैं आज। और पीछे के नज़ारे को आप देखें कि हमारी बहनें, हमारी छोटी छोटी बहनें यहाँ पर बड़े जश्न में सराबोर होकर जश्न मनाती नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। माँ पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए माँ पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहा टोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें। मेरे नन्हे कदम, अ प्ले स्कूल इज नर्चरिंग चाइल्डहुड विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड फुल ऑफ एक्सपोजर, अवार्डेड एज बेस्ट प्री स्कूल इन ईस्टर्न इंडिया। विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच, रांची बिहाइंड फिरायालाल एंड अशोक नगर इन रामगढ़, नियर मिलोनी क्लब बिचोलिया, रामगढ़ कैंट।